हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कभी भी अपने प्राइवेट पार्ट पे साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपने प्राइवेट पार्ट को कभी भी साबुन से साफ नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के बहुत तरीके सवाल होते हैं। लोग पूछ रहे थे कि एक बात बताओ, अपने शरीर को साफ करने के लिए हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं, बालों को की साफ सफाई के लिए हम शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, इवन एक्स्ट्रा टेक केयर भी करते हैं हम, उसके बाद कंडीशनर अप्लाई करते हैं, बाद में सीरम अप्लाई करते हैं, तमाम तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि अपने हम विभिन्न विभिन्न अंगों पर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो फिर वजाइना को साफ करने के लिए साबुन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, और अगर साबुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे फिर साफ कैसे करेंगे? तो मैं आपको बताना चाहती हूं सबसे पहली बात कि साबुन का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे। साबुन का इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपके वजाइना का एक पीएच होता है जो कि एसिडिक इन मीडियम होता है। अगर आप अपने वजाइना में साबुन का इस्तेमाल करोगे तो आपका पीएच लेवल बिगड़ जाएगा और आपको तमाम तरीके के इन्फेक्शन हो जाएंगे। और आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर आप अपने वजाइनल इन्फेक्शन को बहुत ही सीरियस नहीं लेते अगर आप, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वजाइनल इन्फेक्शन इतने तरह तरीके का होता है और उसके बाद इतना जिद्दी होता है कि आप डॉक्टर के पास चक्कर लगाते रह जाओगे, बट वो आप आसानी से उसको ट्रीट नहीं कर पाओगे, वो ख़त्म ही नहीं होता इतनी जल्दी। तो इतनी बड़ी दिक्कत को मोल क्यों लें? पहले से अगर हम सावधानी बरतेंगे तो ये सारी नौबत ही नहीं आएगी। तो वही मैं आपको बताना चाहती हूँ आज की वीडियो के माध्यम से कि अपने वजाइना को, अपने प्राइवेट पार्ट को आप साफ किस तरीके से रखोगे, क्या चीज़ अप्लाई करोगे अगर आपके पास साबुन का ऑप्शन नहीं है तो, क्योंकि साबुन का इस्तेमाल तो हम कर ही नहीं सकते। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले एक बात आपको जाननी पड़ेगी कि योनि या फिर वजाइना की सफाई किसी भी गंधयुक्त, रंगयुक्त साबुन, लिक्विड या किसी अन्य प्रोडक्ट से करना नुकसानदेह हो सकता है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसके अंदर फ्रेग्रेंस होती है, स्मेल होती है, चाहे वो अच्छी स्मेल हो, बुरी स्मेल हो, कोई भी स्मेल वाली चीज़, कोई भी केमिकल्स वाली चीज़, कोई भी कलर वाली चीज़, परफ्यूम, स्क्रब, साबुन, शैम्पू, लिक्विड, कुछ का कोई भी चीज़ आपको अपने वजाइना पे इस्तेमाल नहीं करना है। इन सभी चीज़ों से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत सारे लोग सजेस्ट करते रहते हैं कि ये क्रीम लगाओ, वो क्रीम लगाओ, या आपके स्किन के टेक्सचर को ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, बट इन सब चीज़ों से कुछ होता है नहीं होता है वो तो बात की बात होती है, बट आपको इन्फेक्शन पहले हो जाएगा। इसलिए कभी भी इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो लोग परफ्यूम या फिर किसी तरीके का फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल करते हैं उनको बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ता है, इसलिए कभी भी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आगे देखो लिखा हुआ है योनि स्वयं करती है खुद की सफाई। आपको जान के बहुत हैरानी होगी, अगर आप अपने बालों को गंदा रखोगे तो बाल खुद पर खुद साफ होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। अगर मैं अपने हाथों को गंदा रखूँ तो क्या मेरे हाथ खुद ब खुद साफ होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर मैं अपने फेस को, अपने बॉडी को गंदी तरीके से रखूंगी तो वो अपने आप साफ नहीं होंगे। बट जो आपका वजाइना है वो खुद अपने आप की क्लीनिंग करता है। आप होगे ना हैरान, आप सोचोगे अपने आप खुद की क्लीनिंग कैसे करता है? आपने अक्सर नोटिस करा होगा आपके पैंटी में डिस्चार्ज होता है, आपको व्हाइट कलर का चिपचिपा सा कुछ पदार्थ दिखता है जो कि आपके योनि से बाहर निकला होता है। वो क्या है? वो क्लीनिंग का ही तो काम कर रहा है। बहुत सारे लोगों को लगता है बीमारी हो गई मुझे, इसलिए मेरे अंदर से क्या निकल रहा है? डिस्चार्ज निकल रहा है, जो व्हाइट कलर का लिक्विड चिपचिपा सा एक पदार्थ निकलता है। तो वो आपके वजाइना को क्लीन करने का काम करता है, इसीलिए आपके वजाइना के अंदर से क्या निकलता है? एक फ्लूइड निकलता है जो कि आपकी क्लीनिंग का काम करता है। जिसमें ना निकले उसमें दिक्कत की बात होती है, अगर आप में निकल रहा है तो इसका मतलब आपके अंदर क्लीनिंग का काम चल रहा है। अब संक्रमण की बात कैसे हो सकती है? संक्रमण की बात तब हो सकती है जब आपके उस पदार्थ में बहुत बुरी सी फिशी सी कुछ मछली के तरीके की स्मेल आ रही हो, उसका मतलब है, या फिर फटे हुए दूध जैसा, या फिर फटे हुए दही जैसा कुछ ऐसी उसका टेक्सचर हो, तब वो इन्फेक्शन हो सकता है। अदरवाइज जो नॉर्मल चिपचिपा सा एक पदार्थ होता है वो इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता। इसका मतलब आपके अंदर क्लीनिंग का काम कर रहा है, हो चल रहा है, और आपका वजाइना खुद ब खुद अपने आप को क्या कर रहा है? क्लीन कर रहा है। देखो वही चीज़ लिखी हुई है, योनि गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा की ग्रंथि पूरे दिन एक तरल पदार्थ का उत्पादन करती रहती हैं, जो मृत कोशिकाएं, यानी कि जो डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल्स क्या अच्छे होते हैं? डेड सेल्स अगर आपकी बॉडी के अंदर रहेंगे तो इन्फेक्शन करेंगे, तो जो डेड सेल्स होते हैं और जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जो कि आपके योनि को इन्फेक्शन से बचाती है। अब देखो योनि के अंदर गुड बैक्टीरिया भी होता है और बैड बैक्टीरिया भी होता है। आपको अपने शरीर से बैड बैक्टीरिया को निकालना है। अगर कहीं आपने गुड बैक्टीरिया निकाल दिया जो कि आप साबुन की हेल्प से कर दोगे तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, तो अपने योनि के अंदर जो गुड बैक्टीरिया उसे रहने दो, और जो बैड बैक्टीरिया उसे हम क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। तो जो कि योनि खुद ब खुद अपना निकालती है, जो बचा खुचा काम है उसे हम पूरा कर देंगे। अब बात करते हैं फिर रखेंगे कैसे साफ। आधा काम तो योनि ने कर दिया, खुद ब खुद उसने खुद की सफाई कर दी, बट फिर भी बाहर से सफाई तो करनी पड़ेगी ना। अंदर इंटरनल काम तो लगातार चल रहा है, इंटरनल काम चल रहा है इसका मतलब आपको अंदर कुछ भी
किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बताती हैं कि आपके वजाइना को इंटरनली साफ़ करेंगे, बट वो बहुत ही गलत होती हैं। कुछ भी आपको उसके अंदर इंसर्ट नहीं करना होता, अदरवाइज आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो अंदर काम चल रहा है, आप सिर्फ बाहर बाहर से क्लीन करोगे। अब कैसे करोगे देखते हैं। सबसे पहली बात, वॉश क्लॉथ से सफाई कर सकते हो आप। वॉश क्लॉथ से सफाई करोगे जो कि आपको अपने उंगलियों पे लपेट के अपने वजाइना की सफाई करनी है। ध्यान रहे एक बात कि वो वॉश क्लॉथ बिल्कुल भी खुरदुरा, बिल्कुल भी रफ, ऐसा कुछ टेक्सचर का नहीं होना चाहिए। बहुत ही सॉफ्ट कोमल होना चाहिए, क्योंकि वो एरिया बहुत ही सेंसिटिव होता है। हल्का सा खरोच वहाँ पे आपको इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। आगे लिखा हुआ है, गुनगुने पानी से धोए, बहुत ही तेज पानी से और बहुत ही ठंडे पानी से। इससे अपने वजाइना को क्लीन नहीं करना चाहिए आपको। गुनगुने पानी से क्या करना चाहिए, अगर गुनगुना पानी ना भी हो तो एक नॉर्मल पानी से आपको अपने वजाइना को साफ करना चाहिए। और बिल्कुल देखो, आप वजाइना साफ करो साफ पानी से, बट आपके हाथ ही गंदे हैं, तो सबसे पहले तो अपने हाथ को साफ करोगे। हाथ को साफ करने के बाद तब जाकर आप अपनी वजाइना को साफ करना, अदरवाइज आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर केवल पानी का प्रयोग करें, गुनगुना पानी है बट सिर्फ क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो हल्का माइल्ड साबुन, बिना गंध बिना केमिकल वाला प्रयोग कर सकते हो, बट बहुत ही रेयर, कभी कभी बहुत ही हल्का माइल्ड सोप जो साबुन होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपके वजाइना के पीएच के साथ ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ही हल्का है, बहुत ही माइल्ड है। जैसे बहुत ही जो बेबी सोप आते हैं बहुत ही जेंटल होते हैं ना बेबी के स्किन के लिए, वैसे ऐसे बहुत सारे सोप होते हैं जो कि बहुत ही जेंटल होते हैं आपके स्किन के लिए। आपकी वजाइना आप उसे साफ कर सकते हो, बट बहुत ही फ्रिक्वेंटली आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, स्मेल है, कुछ आपको फिशी सी फीलिंग आ रही है, कुछ आपको चिपचिपापन लग रहा है, जो कि लग रहा है कि सिर्फ पानी से साफ नहीं होगा, मुझे कुछ तो इस्तेमाल करना है। तो आप हार्श जो साबुन होते हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना। जो बहुत ही माइल्ड सोप होते हैं आप उनका इस्तेमाल करना, जिसमें कोई गंद ना हो, कोई केमिकल ना हो, कोई रंग ना हो, बिल्कुल साफ सुथरा साबुन। और याद रखें, कुछ भी अंदर ना जाए, सब कुछ आपको बार बार साफ करना, अंदर किसी भी चीज़ को इंसर्ट नहीं होने देना है। आगे कह रहा है, सुगंधित साबुन, इत्र, स्क्रब का ना करें इस्तेमाल, क्योंकि वजाइना में जलन और संक्रमण उत्पन्न कर सकता है और 100% कर सकता है। अगर आप इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो तो आज ही रोक दो। अगर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल अपने प्राइवेट पार्ट पर लगातार करते रहे तो एक दिन आपको ज़रूर इन्फेक्शन हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा अपने ऊपर कि मुझे पता था कि मुझे सुगंधित चीज़ों को, मुझे इत्र को, मुझे परफ्यूम को, मुझे साबुन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, बट फिर भी मैं कर रही थी और मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। तो इसीलिए आप आज ही छोड़ दो। आगे लिखा हुआ है, जो फोल्ड होता है ना, जो वजाइना के अंदर जो फोल्ड होता है, वहाँ पे भी क्या होता है कि कुछ जो लिक्विड डिस्चार्ज होता है वो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, तो उसके अंदर की भी सफाई, जो जहाँ पे फोल्ड होता है वहाँ की भी आप क्या कर सकते हो, सफाई कर सकते हो। भी आप वॉश क्लॉथ की हेल्प से कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे साफ नहीं करोगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वहाँ पे आप हल्के हाथों से बहुत ही जेंटल तरीके से वहाँ की सफाई करो। और फिर भी ध्यान रखना कि पानी या फिर साबुन, कोई भी चीज़ या फिर वॉश क्लॉथ या किसी भी चीज़ सफाई करो, वो चीज़ अंदर ना जाए, सिर्फ बाहर बाहर ही बहुत ही हल्के से प्यार से आपको साफ करना है। आगे कह रहा है कि पेरिनियम को धोएं। आप कहोगे पेरिनियम क्या होता है, जो आपका वजाइना होता है और एनस होता है, बीच का जो पार्ट होता है, वहाँ वाले हिस्से को आपको बहुत ही साफ सुथरा रखना है। और ध्यान रखना है, जब कभी भी आप अपने वजाइना को साफ करते हो तो आपका हाथ ऊपर से नीचे तरफ जाना चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ कभी भी नहीं जाना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो एनस के बैक्टीरियाज होते हैं आपके हाथ जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपके हाथों से वो बैक्टीरिया आपके वजाइना तक पहुँच जाएंगे, जिससे आपको यूटीआई का खतरा बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। इसी यही एक कारण है कि जो फीमेल होती हैं उनका जो एनस होता है वजाइना बहुत ही क्लोज पास पास होता है, मेल में तो ऐसा होता नहीं है, तो इसीलिए जो यूटीआई होता है, यूटीआई होने का जो खतरा होता है, जो चांस होता है, वो फीमेल में बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए हमेशा जब भी आपको सफाई करनी है तो ऊपर से नीचे की ओर करनी है, और हमेशा आपको अपने एनस को, अपने पेरिनियम वाले हिस्से को, अपने वजाइना हमेशा एकदम क्लीन रखना है, ताकि आपको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो। और मेन बात साफ करने से भी ज़्यादा मेन बात, सुखाना है ज़रूरी, सुखाना है ज़रूरी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी यीस्ट जो नमी वाला एनवायरनमेंट होता है ना, वहीं डेवलप होते हैं। आप साफ बहुत ही कर रहे हो, बहुत ही ध्यान दे रहे हो, एक्स्ट्रा केयर कर रहे हो, बट नहाने के बाद तुरंत आप पैंटी पहन लेते हो, साफ करने के बाद तुरंत उसको कवर कर लेते हो, बहुत ही टाइट जीन्स पहन लेते हो, तो वहाँ पर नमी बरकरार रहती है, जिस कारण से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस बात का बहुत ही खास ख्याल रखें। अगर आप मेरी कही हर एक बात का बहुत ही खास ख्याल रखोगे तो वो कभी भी इन्फेक्शन नहीं होगा, कभी भी आपको इस बुरे दौर से गुजरना नहीं पड़ेगा। तो इस बात का बहुत ही खास ख्याल रखिए। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी, वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज़।